आज यहां पर 9 ईयर कंप्लीशन ऑफ मोदी गवर्नमेंट के सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं। मैं सबसे पहले थापा साहब, सुब्बा साहब और हमारे ऑनरेबल एमएलए उगेन भुटिया साहब, जिन्होंने आपको संबोधित किया, उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने सिक्किम के बारे में बहुत ही डिटेल में अपनी बातों को रखा। आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट दोज इशूज। एंड द नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स, थापा साहब ने और भी डिटेल में कहा, और छितेन तासी भुटिया साहब ने जो अपने कुछ डिमांड रखे थे, जैक ने भी रखा था, कल हमारे पास सब लोग आए थे कि नड्डा साहब तक ये बातें पहुंचाई जाए। हम लोगों ने कल तो उनको मेल से और व्हाट्सएप से भेज दिया था। आज अगर नड्डा साहब यहां रहते तो उनसे, उनके ही द्वारा हम बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलता। अभी कोशिश है कि नड्डा साहब ऑनलाइन हमसे वीसी में जुड़ जाएं। आपको 2-4 मिनट उनका इंतजार कर लें, अगर वो वहां पर जहां पर हैं अरुणाचल में, वहां का सिग्नल अभी ठीक नहीं है जिससे हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर जुड़ गए तो आपको जरूर वो संबोधित करेंगे। 9 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज स्टेटस ऑफ सिंबल पूरे दुनिया के लिए। मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का सर ऊंचा किया है, आज इस बात को पूरा दुनिया मान रही है। आपने अभी देखा होगा हाल में जब मोदी जी टूर पर गए थे फॉर द मीटिंग इन द डिफरेंट इशूज ऑन, और यूएसए में ही जब मीटिंग में वहां के यूएसए के प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बाइडेन ने मोदी जी के पास आकर कहा कि आई वांट योर ऑटोग्राफ, सच ए स्ट्रांगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मोदी जी को कहते हैं कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये भारत की शान है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, मोदी जी यू आर बिग बॉस। ये भारत के, इंडिया के उस स्टेटस को बताता है जो आज नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया में समझाने का प्रयास किया है। वहीं पर कांग्रेस के लीडर जब विदेश में जाते हैं तो देश की ही बुराई करते हैं, देश के बारे में ही बुरा बोलते हैं। तो हम नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी सरकार को शुभकामना देते हैं कि आपने देश के लिए अच्छा काम किया है। पहले नॉर्थ ईस्ट में प्राइम मिनिस्टर ओकेजनली जाते थे, और आज 9 ईयर्स में प्रधानमंत्री मोदी जी मोर देन 50 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। सेंट्रल मिनिस्टर भी कभी कभी स्टेट में आते थे। आज हमारे लीडर को तो पता है कि सेंट्रल मिनिस्टर मंथली सिक्किम आ जाते हैं, करीब करीब मंथली आ जाते हैं, कोई ना कोई सेंट्रल मिनिस्टर मंथली आते हैं। दिस शोज द स्ट्रांग विल पावर ऑफ मोदी गवर्नमेंट टू डेवलप द सिक्किम एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। क्या क्या काम हुआ थापा साहब ने बताया, क्या क्या इशू है सिक्किम का, जैक का,
वो थापा साहब ने बहुत ही डिटेल में बताया और हम लोग उस इशूज को सेंट्रल लीडर के पास जरूर पहुंचाएंगे। और क्या उसका समाधान हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, जो आपने कॉलम 4-5 की बात कही है, वो सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे लीडर भी बोल रहे हैं, अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में कहा, पीयूष गोयल जी भी आए थे, उन्होंने कहा कि 371F इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जो 371F का सेंटिटी है वो कायम रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से बोलते आ रही है। और जो भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी सॉल्व करेगी, बैठकर समझेगी। लेकिन आपने देखा कि मोदी गवर्नमेंट के 9 ईयर्स में, मैं अगर आपको 3-4 एग्जाम्पल दूं कि कांग्रेस के 70 ईयर के शासन काल में पूरे देश में 8 एम्स था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स मतलब लोग दिल्ली समझते थे कि दिल्ली जाना है, दिल्ली में एम्स है, वहीं इलाज होगा। लेकिन 9 ईयर्स में मोदी जी ने 15 नया एम्स बनाने का काम किया और अब इंडिया में टोटल 23 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ये मोदी गवर्नमेंट का स्ट्रांग विल पावर है। पहले पूरे इंडिया में 70 साल में 641 मेडिकल कॉलेज बना 70 ईयर्स में, लेकिन 9 ईयर्स में मोदी जी ने नया 700 मेडिकल कॉलेज बनाया, 700, और आज पूरे देश में 1341 मेडिकल कॉलेज। एक मेडिकल कॉलेज सिक्किम में भी बन रहा है। और मित्रों, पहले पूरे देश में 16 IIT था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और अब 7 न्यू IIT बना है और अब 23 IIT हमारे कंट्री में है। पूरे देश में 70 ईयर में, 70 साल में 723 यूनिवर्सिटी थे और आज 390 नया यूनिवर्सिटी मात्र 9 साल में बना और पूरे देश में आज 1113 यूनिवर्सिटी है। आप देख रहे हैं, एक वंदे भारत ट्रेन का नाम आपने सुना होगा, अभी न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी, और मैं 3 दिन पहले गुवाहाटी से वंदे भारत से न्यू जलपाईगुड़ी आया, 5 घंटे में, आधा घंटा पहले उसने पहुंचा दिया, 5 आवर्स में गुवाहाटी से NJP हम ट्रेन से आ गए। कोई सोच नहीं सकता था, NJP से कोलकाता 5-6 आवर में हम ट्रेन से पहुंच रहे हैं। तो ये मोदी गवर्नमेंट का स्ट्रांग विल पावर है। सिक्किम के लिए भी मोदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी, कैसे इसका डेवलपमेंट हो, कैसे यूथ का एम्पावरमेंट हो, यूथ के लिए कैसे स्किल्ड ट्रेनिंग हो और उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, इसकी चिंता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। लेकिन थापा साहब ने एक बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी BJP का प्रेजेंस सिक्किम में होना जरूरी है, क्योंकि जो भी MLA साहबान मंच पर बैठे हैं, स्टेज पर बैठे हैं, ये सभी MLA हमारे लीडर ऑफ पार्टी और स्टेट के प्रेसिडेंट सभी सिक्किमीज हैं, भारतीय जनता पार्टी सिक्किम। और आप लोग जो भी बैठे हैं BJP के सपोर्टर, ऑल आर सिक्किमीज, तो BJP बाहर की पार्टी कैसे हो गई? जब सामने बैठने वाले भी 3-4 हजार लोग सिक्किमीज हैं जो BJP को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी को अच्छा बोलते हैं,
एमएलए भी सही कहा थापा साहब ने, सिक्किमीज हैं। कल कोई चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर भी होंगे तो सिक्किमीज ही होंगे। तो इसको निकालने की जरूरत है कि हम भारतीय जनता पार्टी को कोई बाहरी पार्टी बोल रहे हैं। आज हम सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं कि मोदी जी का 9 साल बेमिसाल रहा है। लेकिन एक मैं बता रहा था अभी उगेंदा को भी, एक भारत सरकार ने रेलवे के बारे में तो मालूम हो गया, नेशनल हाईवे आप जानते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट आप जानते हैं, अभी भारत सरकार ने 900 करोड़ रुपया का टेंडर किया और टेंडर भी हो गया, कॉन्ट्रैक्टर भी सिक्किम पहुंच चुका है, नेचुरल गैस पाइपलाइन फ्रॉम नॉर्थ बंगाल रेसी से वो इंटर करेगा रिनॉक, रिनॉक से पैकयोंग, पैकयोंग से रानीपुल और उसके बाद गैंगटॉक। नेचुरल गैस लाइन का पाइप 900 करोड़ में गैंगटॉक तक बिछाया जा रहा है, लाया जा रहा है, तब आपको नेचुरल गैस इजीली और सस्ते में अवेलेबल पूरे सिक्किम को होगा। तो ये भारत सरकार बहुत बड़ा काम करने जा रही है कि नेचुरल गैस डायरेक्ट गैंगटॉक तक पहुंचेगी और उसके लिए 900 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया। टेंडर भी राम बरन एपेक्स कंपनी ने लिया है और वो काम भी अब एक सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा, जो कि रेसी, रिनॉक, पैकयोंग और रानीपुल होते हुए गैंगटॉक पहुंचेगी। तो इस तरह करके भारत सरकार चाहती है कि हर चीज का सुविधा सिक्किम तक पहुंचे, लेकिन हमें भी थोड़ा सा बीजेपी को प्यार तो करना ही पड़ेगा। अगर आप बीजेपी को प्यार करेंगे तो बीजेपी को भी लगेगा कि नहीं, सिक्किम में मेरा भी कोई रेस्पेक्ट है। और रेस्पेक्ट किनको देना है? यही थापा साहब को देना है, सुब्बा साहब को देना है, उगेन साहब को देना है, केबी राय साहब, केसी लेपचा साहब, टीटी भुटिया साहब, राजकुमारी थापा जी, फरमंती तमांग जी, वाईटी लेपचा जी, पिंडसो लेपचा जी, सोनम बेंगचुप्पा जी, इन्हीं को देना है, छितेन तासी भुटिया साहब, मोहन गुरुंग साहब, ऑल आर सिक्किमीज। लेकिन फिर इलेक्शन आएगा, वो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तो वही सब लोग बोल देगा कि नहीं, ये तो रीजनल पार्टी होना चाहिए। तो आप हमें, सिक्किम के लोग हमको मजबूर करते हैं कि मुझे रीजनल पार्टी से मिलके चलना है। तो क्या राजकुमारी जी, रीजनल पार्टी से मिलके चलना है, ये सिक्किम के लोग बोलते हैं, क्या कोई उपाय है? मिलके चलना है तब, क्योंकि इलेक्शन के समय फिर वही बात आ जाता है, जबकि सभी लोग आपके लिए चिंता कर रहे हैं, सिक्किम का डेवलपमेंट और रीजनल सेंटीमेंट की से कोई कंप्रोमाइज नहीं होने वाला है। इसलिए मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह सिक्किम में बीजेपी आगे बढ़ रहा है, मैं थैंकफुल हूं ऑर्गेनाइजेशन का, स्टेट प्रेसिडेंट का, लीडर ऑफ पार्टी का, ऑल एमएलए एंड संगठन के सभी कार्यकर्ता का, छितेन जी का, सभी जितने भी हमारे लीडर बैठे हुए हैं, सामने भी बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, सभी लोगों को मैं, एक सेकेंड, नड्डा जी के यहां से फोन, हेलो, नहीं मिला है अभी तक, हाँ हाँ इसी पे, यही एक बार इसमें देख लो, अगर अगर कोई हुआ व्हाट्सएप आया है तो आपसे मेरा, नड्डा जी जुड़ रहे हैं, वहां से नड्डा जी का ही फोन था कि मैं लिंक से जुड़ गया हूं, लेकिन अभी तक लिंक आया नहीं है। ही इज ट्राइंग, 1.5 घंटे से वो अरुणाचल प्रदेश से कोशिश कर रहे हैं कि आपसे जुड़ूं, लेकिन वहां का भी वेदर बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है, फिर भी
अगर जुड़ गए तो आपसे जरूर वो बात इस पर करेंगे। तो मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेजेंस को सिक्किम में जरूर रखिए, सिक्किम के डेवलपमेंट के लिए और सिक्किमीज के सेंटिमेंट के लिए बीजेपी जरूरत है। 2024 के लिए अभी से तैयारी कीजिए आप, और अगर अभी से तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है, नहीं व्हाट्सएप आ गया क्या? अभी व्हाट्सएप आया नड्डा जी का वीडियो? नहीं आया, जैसे आएगा तब जोड़ना, दिल्ली से आएगा वो नए नंबर से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रेजेंस को सिक्किम में रखिए, क्योंकि आप सिक्किम में प्रेजेंस रखेंगे तो मैंने एक अनाउंसमेंट किया है, सच्चे दिल से किया है, कि कोई भी टेम्पररी जिसका कि अपॉइंटमेंट होता है, 3 वर्ष जिसका पूरा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो उसको परमानेंट करने का काम करेगी। 3 साल से ज्यादा कोई टेम्पररी अपॉइंटमेंट सिक्किम में नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि यूथ जो कि गवर्नमेंट जॉब में आते हैं उनको 10,000-12,000 रुपए के सैलरी में वो अपने फैमिली को नहीं चला सकते, और ज्यादा दिन तक अगर वो टेम्पररी जॉब में रहेंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा जॉब तो टेम्पररी है। तो इसलिए मैंने दिल्ली से भी बात किया और मैंने ये अनाउंसमेंट किया है कि बीजेपी गवर्नमेंट में आएगी, अगर हमारे ये एमएलए उसमें मिनिस्टर रहेंगे तो मैं इनको पकड़ूंगा कि भाई ये पॉलिसी है, आपको 1 से 1.5 हजार करोड़ रुपया और सालाना खर्च होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, जब 6,000 करोड़ रुपया भारत सरकार दे सकती है प्रत्येक साल तो 1,000 करोड़ और दे देगी, 2,000 करोड़ और दे देगी, कोई दिक्कत नहीं, सबका सैलरी डबल कर दो, लेकिन सबको जीने का हक है अच्छे तरीके से। सरकार जॉब दे रही है, इसके लिए मैं उसको जरूर थैंक्स देता हूं कि सरकार जॉब दे रही है, लेकिन सभी का 3 साल के बाद परमानेंट हो इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी, यह हमने अनाउंसमेंट किया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे एमएलए बैठे हैं मंच पर, ये सभी चुनाव 2024 में जीत कराएं, आप इनको बचा के रखेंगे, बीजेपी आपको बचा के रखेगा। बीजेपी विल टेक केयर द रीजनल सेंटिमेंट ऑफ द सिक्किम। लिखित ले लो, सब साइन कर देंगे, अमित शाह जी भी कर देंगे, मोदी जी भी कर देंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है रीजनल सेंटिमेंट को, लेकिन आपका प्यार भी रेसिप्रोकल होता है, लव जो है रेसिप्रोकल होता है प्यार, ऐसा नहीं कि एक तरफा प्यार चला जा रहा है, सोसाइटी हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल लव की आवश्यकता है। तो सिक्किम के लोग प्यार दें, प्यार दो प्यार लो, और मुझे पूरा भरोसा है रीजनल पार्टी, जो भी रीजनल पार्टी बीजेपी को रेस्पेक्ट देगी तो हम भी रीजनल पार्टी को रेस्पेक्ट देंगे, और हम लोग मिलकर सिक्किम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सभी एमएलए भी यहां बैठे हैं, एक हमारे सिर्फ डीटी लेप्चा साहब थोड़ा बीमार चल रहे हैं, उसके अलावे हमारे 11 एमएलए यहां बैठे हैं, 2 एक्स एमएलए भी बैठे हैं, सभी लोग आपके लिए सिक्किम के लिए काम करेंगे, लेकिन आपको गांव गांव तक जाकर सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करना होगा, मजबूत करना होगा। इलेक्शन के टाइम में अगर बीजेपी के कैंडिडेट जीतते हैं तो हम सरकार में भी रहेंगे तो आपके लिए कुछ कर पाएंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, कुछ ज्वाइनिंग और है क्या? है ना, तो इसी बीच मैं देखता हूं, अगर वो व्हाट्सएप आ जाता है तो आ गया, ठीक है। तो नड्डा जी जुड़ चुके हैं, एक बार शुरू करवाइए, उसके बाद तब ज्वाइनिंग होगा।
बहुत देर से नड्डा जी चाह रहे थे कि आप लोगों से आमने सामने हो। थैंक यू नड्डा जी के लिए जोरदार ताली, वो आपको भी देख रहे हैं। पापा जी हमारे सिक्किम प्रांत के अध्यक्ष और हमारे एनके सुब्बा जी जो हमारे नेता हैं विधानसभा में, और दिलीप जायसवाल जी जो बिहार से हमारे एमएलसी हैं और प्रभारी हैं सिक्किम के, और सभी पदाधिकारी, सभी विधायकगण और मेरे सभी साथी जो वहां एकत्र आए। आज मुझे सिक्किम आना था, मैं भी कटिबद्ध था कि मैं सिक्किम आऊंगा। मुझे मालूम था कि रास्तों की दिक्कत है और मुझे यह भी मालूम था कि मौसम बहुत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से नामसाई से सुबह 7:30 बजे सड़क मार्ग द्वारा निकल करके आपसे मिलने के लिए डिब्रूगढ़ आ रहा था। तभी मुझे रास्ते में पता चला कि बागडोगरा से सिक्किम आने के लिए जो सड़क का रास्ता भी है वो भी अवरुद्ध हो गया है, उसमें भी लैंडस्लाइड हो गई है। इसलिए मौसम की खराबी के कारण तो आना बाई एयर चौपर मुश्किल तो था ही, लेकिन सड़क मार्ग द्वारा आना भी बहुत मुश्किल हुआ है। मैं चाहकर भी आप सबके बीच में नहीं हूं, इसका मुझे खेद भी है, दुख भी है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ ही हूं और बहुत जल्द मौसम खुलने पर मैं इसी महीने में प्रयास करूंगा, नहीं तो अगले महीने मैं जरूर आप सबके दर्शन करने के लिए आऊंगा। मित्रों आप जानते हैं 9 साल आदरणीय मोदी जी के द्वारा एनडीए की सरकार चल रही है, और उस एनडीए की सरकार में जिस तरीके से मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है वो हम सबको गौरवान्वित करता है, और इसलिए 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इसको समर्पित है। जब हम सेवा की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि आदरणीय मोदी जी ने सारे देश की किस तरीके से एक प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, दिन रात मेहनत करके देश को आगे बढ़ाने का काम, अंतर्राष्ट्रीय छवि से लेकर हमारे सरहदों को, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हमारे आम नागरिकों को सशक्तिकरण करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। अगर हम विश्व के दृष्टि से देखें तो आज हमें खुशी होती है कि भारत को हमेशा G7 की मीटिंग में बुलाया जाता है, भारत आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है, भारत क्वाड का हिस्सा है, भारत SCI का हिस्सा है, भारत ब्रिक्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, और भारत I2U2 में भी शिरकत कर रहा है। इसलिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़े हुए जितने भी हमारे संगठन हैं उसमें भारत की भूमिका हम सब लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, अगर इसे हम आगे बढ़े तो हमारे को ध्यान में आता है कि अभी प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, जापान गए थे, जापान में अमेरिका के राष्ट्रपति से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मोदी जी मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। यह बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री की छवि अमेरिकन के राष्ट्रपति और अमेरिकन के बीच में कैसी है। वो यह भी कहा उन्होंने कि आपको अगले महीने अमेरिका आना है, हम स्टेट डिनर दे रहे हैं। बहुत लोग मेरे से शिकायत कर रहे हैं कि मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है, मुझे भी निमंत्रण दीजिए, मैं भी मोदी जी से मिलना चाहता हूँ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने में काम कर रही है और जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं उसका ये एक हमको रूप देखने को मिलता है। हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी जी यू आर द बॉस, ये बताता है कि एक देश का राष्ट्र का प्रधानमंत्री जब मोदी जी और बॉस कहता है तो उसका अर्थ क्या बनता है। पापुआ न्यू गिनी के
प्रधानमंत्री अभिवादन में पांव छू करके स्वागत करते हैं यह भी, और कहता है, कहते हैं वो प्रधानमंत्री कि ये हमारे गुरु हैं। यह बताता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की छवि और भारत को किस तरीके से देखने का नजरिया है वह भी इससे प्रतिबिंबित होता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, यह भी बताता है कि भारत आज किस तरीके से देख रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, चाहे हमारे एनवायरनमेंट के प्रश्न हो, चाहे वन अर्थ की बात हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, मोदी जी ने जिस तरीके से दुनिया में भारत के विचार को प्रतिपादित किया है और रखा है, उसको सब दूर सराहा गया है, और इसीलिए आज भारत की छवि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के माध्यम से हम सबको दुनिया में देखने को मिलता है। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो आपको मालूम होगा कि चाहे वो डोकलाम का स्टैंड ऑफ हो, फिर चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और एक बार उन्होंने कहा कि घर में घुस करके हिसाब करो, और आपको मालूम है कि एयर स्ट्राइक भी हुई, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, और इसी तरीके से देश की सुरक्षा के लिए हमेशा हम सब तैयार हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 सालों में बॉर्डर पर 13,595 किलोमीटर की सड़क डबल लेन बनी है, और वो ब्रिजेस के साथ बनी है, ऑल वेदर रोड बनी है। अब हमारी फौजें बॉर्डर में पहुंचने में एक दिन से ज्यादा का समय नहीं लेती है, और हम सब तो हमेशा तत्पर रहते हैं। 1A-203 प्रचंड हेलीकॉप्टर, और इसके साथ साथ हमारे INS विक्रांत जो हमारे नौसेना के पेड़े में शामिल हुआ है, ये सब भारत में बने हुए आत्मनिर्भर भारत की पहचान बताते हैं। अगर हम बात करें आर्थिक जगत में, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है, और यही नहीं, इसके साथ साथ 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। स्टील के मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं, ऑटोमोबाइल के मार्केट में हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं, मोबाइल बनाने में जहां हम 92% मोबाइल बाहर से लेते थे, आज 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। ये सारी बातें बताता है कि आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से चल रहा है। महिला सशक्तिकरण, गरीबों का सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण, गरीब भाइयों का सशक्तिकरण, दलितों का सशक्तिकरण, ये सब प्रधानमंत्री जी ने अपने नीतियों के साथ जोड़ा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, स्वच्छता अभियान, आयुष्मान भारत, ये सब बताते हैं कि किस तरीके से आम आदमी का सशक्तिकरण और महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास हुआ है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगली बार मैं आता हूं तो और विस्तृत में आपसे बातचीत करूंगा। आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे आज अनुपस्थित रहने के लिए क्षमा करेंगे, और मेरी रिकॉर्डिंग जब आप सुनेंगे तो जरूर मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। अगली बार हम फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, तो आप अभी आदरणीय जेपी नड्डा जी को सुने कि वो जब अरुणाचल से फ्लाइट नहीं चली तो वो बाय रोड भी डिब्रूगढ़ की ओर चले, लेकिन बागडोगरा से फिर इन्फॉर्मेशन आया कि बागडोगरा से नामची जाना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने माफी मांगा और उन्होंने कहा कि हम जरूर आपके बीच आएंगे। ये हमारा नेता जो आज आपके बीच उन्होंने कमिटमेंट किया, ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट सिक्किम के लिए है, और मैं
गॉड को भी थैंक्स कहता हूं, थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने ये वीडियो भेज दिया, नहीं तो मुझे मिल नहीं रहा था। मैं एक घंटे से कोशिश कर रहा था कि उनका मैसेज मिल जाए, तो मिल गया। तो हमारे वर्कर्स जो हमारे कार्यकर्ता इतने दूर से आए, आज उनको बहुत अच्छा लगा कि नड्डा जी ने भी इस खराब मौसम में भी उन्होंने वीडियो वीसी के माध्यम से ये किया है, संबोधित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिक्किम, जय भाजपा। और अलायंस अगर अच्छा काम करेगा तो जय अलायंस। थैंक यू, थैंक यू।